तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। तो बात कर लेते हैं आज, और इतना ज़बरदस्त जो गाना है ना मनोवर फारूकी का, एक ही तीर में तीन जनों को टारगेट कर दिया है। और जो लगातार लोग चाह रहे थे कि भैया इस बॉक्सर को, इनको UK07 को भी थोड़ा जवाब दिया जाए, जिस हिसाब से वो स्टोरी अटैक कर रहे थे और थोड़ा सा चैलेंज कर रहे थे कि आइए भाई फाइट करिए, रिंग में उतरिए, लेकिन उन सभी पे विराम लगा दिया और इतना खूबसूरत गाना बनाया है, इतना ज़बरदस्त रैप किया, इतना ज़बरदस्त लिखावट है कि आप उस तकरीबन 3 मिनट के वीडियो के अंदर कहीं खो जाते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं लगता कब 3 मिनट हो गए, वो वीडियो आपको कनेक्ट कर लेता है। जो ग्राफी है, जो वीडियो है, जो लिखावट है इस गाने के अंदर, वो एक एक शब्द के अंदर काफ़ी भारी चीज़ें कह दी है। जैसे पेटी पेटी मोटी आन दो, भैया पैसे बहुत आ रहे हैं, लॉकअप जीत चुके हैं और टैलेंटेड बहुत है। जैसे हम भी उनसे मिले थे जब उनका हम देखने गए थे शो, टैलेंटेड बहुत है, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, साथ के साथ रैप भी कर रहे हैं, लोगों को हंसाते भी हैं, खुद का यूट्यूब चैनल भी है और शायरियाँ भी है। तो लॉकअप के बाद बिग बॉस 17 भी जीत लिया। तो यहाँ पे जिन्होंने बिग बॉस देखा होगा इस गाने का मतलब वो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने पूरी बिग बॉस की जर्नी जी होगी, लॉकअप जिया होगा, बिग बॉस 17 पूरा देखा होगा, जिसके अंदर मनोवर फारूकी विनर बने थे और तकरीबन उनको लॉकअप जीते भी 2 साल हो गए हैं और उन्होंने एक गाना निकाला। तो जिन्होंने बिग बॉस देखा होगा ना, इस गाने से बहुत ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि भैया एक एक शब्द को समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि कईयों के कैरियर बनाए उन्होंने, और साथ के साथ ये भी उन्होंने कहा कि तुझे गायब कर दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। सच बात है, नाजिला हो या आयशा हो, लगातार उनके साथ जब तक नाम जुड़ा तो वो चर्चा में रही। लॉकअप सीजन 1 जीतने के बाद नाजिला के साथ एक बारिश सॉन्ग किया जिसमें मिलियंस व्यूज आए। नाजिला ने मनोवर फारूकी के साथ कई ब्लॉग बनाए जो ब्लॉग काफ़ी वायरल हुए, लोगों ने पसंद किया उनके यूट्यूब चैनल, और साथ के साथ बिग बॉस में उन्होंने आयशा के साथ जो मनोवर को टारगेट किया उनकी रीच भी काफ़ी बढ़ी। अदर जो लोग थे जो मनोवर को हराना चाहते थे, उन्होंने नाजिला को और आयशा को सपोर्ट भी किया, उनके फॉलोवर काफ़ी बढ़े, तो ये चीज़ भी बेनिफिट हुआ। लेकिन अभी वो दोनों कहाँ हैं, गायब से दिख रही हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने कहा तुझे गायब कर दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तो जब नाम बनाना चाहता हूँ तो नाम हटा के गायब करना भी जानता हूँ, ये अच्छे से एक लाइन लिखी है। और काफ़ी टाइम से फैंस को इस लाइन का वेट भी था कि भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो कहा बाहर जाके बहुत से जवाब मिले हैं। एक चीज़ और भी थी कि एक कश मारूं और मेरी न्यूज़ बनती। अभी लेटेस्ट जो एक उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जहाँ पे वो हुक्का बार के अंदर पकड़े गए थे या कुछ छापे हुए थे रमजानों के टाइम पे, तो उन्होंने ये भी कहा कि कश भी मार दूँ अगर मैं हुक्के का तो जब भी न्यूज़ बन जाती है, सोशल मीडिया हिल जाता है, काफ़ी तगड़ी बात उन्होंने कही। बचकाने बॉक्सर जो थे वो लगातार उनके स्टोरी को टैग करते हैं, उन्हें बुलाते हैं रिंग के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा भाई साइड हो, अपना काम कर और ऐसा कट मारे कि मेरी जो बाइक है वो तेरी महंगी गाड़ियां भी धरी की धरी रह जाएंगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा सा जवाब दिया। और आजकल अरमान मलिक भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, UK07 को चैलेंज करके इधर उधर भाड़े फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आओ हम लड़ना चाहते हैं आपसे। तो ये चीज़ भी है, ये गेम क्या सिखाएंगे वाइल्ड कार्ड, और फिर ऐसे किया, ये एक थोड़ा सा है कि ये गेम क्या सिखाएंगे मुझे वाइल्ड कार्ड, क्या ये आयशा खान के लिए किया है, ये क्या आयशा खान के ऊपर सीधा इशारा है कि भाई ये क्या वाइल्ड कार्ड मुझे गेम सिखाएंगे कि कैसे खेलनी है, और लास्ट में ये किया। अब ये जो किया है ये आयशा के लिए है या तुम बहुत तेज हो, अब ये जो कह रहे हैं अब कमेंट में बताएंगे किसके लिए, कि आयशा के लिए है या किसके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा गाना है, जाके देखें, और व्यूज़ के मामले में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और जिस हिसाब से फैंडम को वो चीज़ें सुना दी है जो लगातार फैंस चाह रहे थे कि यार इतना टारगेट कर रहे हैं मनोवर फारूकी को, लोग कब देंगे जवाब, दे दिया जवाब अपने वीडियो पे, कंटेंट पे कंटेंट मिलेंगे और साथ के साथ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा भी है आन दो भैया पेटी आन दो मोटी मोटी, तो आन दो भैया आन दो, तो ठीक है जल्दी कमेंट करके बताएं आयशा ये कौन है भाई, वाइल्ड कार्ड भी जुड़ा हुआ है, अरे और समझदार हो तुम, वाइल्ड कार्ड भी है ये भी क्या है, जल्दी कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं रात के लाइव में, जब तक लिए बाय। और आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं सारे।